अपना वेतन लेकर आएंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अपना वेतन लेकर आएंगे, अपना वेतन लेकर आएंगे, अपना वेतन लेकर आएंगे। इसलिए बैठे भूख हड़ताल पे, 8 महीने तक इनका वेतन नहीं मिला सबका। मेरा लड़का भी इसमें ही नगर पालिका में टंकी पर लगा हुआ, 8 महीने से मेरे लड़के का वेतन नहीं मिला। हमें इसका तबादला चाहिए, वेतन मिलो या मत मिलो, हमें इतने यानी हटे खेकड़े का सुधार नहीं होने का, वहाँ इतनी झगड़े की संभावना बना दी या राजनीति फैला रही वहाँ, और गंदगी इतनी करवा दी कस्बे में, बीमारी तय जूझरा कस्बा खेकड़ा, ये पानी तभी उनकी तनख्वाह नहीं देती तो पानी तभी नहीं, पानी भी नहीं जा रहा। अब तो बताओ कस्बा खेकड़ा कहाँ जाएगा? भूख हड़ताल इतना हमारी इतना हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी, इतना डीएम वन हटे काम नारी का चुहान, इतना वन हटे, इतना हम यहां तक नहीं उठे थे, 1 महीना हो जाओ, हमें देखे कहाँ लोग उसके तबादले नहीं होने के, कहाँ तक उसके सिफारिश चल रही, सिफारिश लगाती फिर रही, तीन कस्बे में इतनी गंदगी फैला दी, तनख्वाह नहीं दे रही, कर्मचारी कहाँ तक काम करेंगे जब इनके बच्चों खाने को नहीं मिले, इनके बच्चे स्कूल तक काट दिए, तो हम तो इनके साथ आज तक चाहे 1 दिन हो जाओ चाहे 1 महीना हो जाओ, इतने नहीं उठा मीन तक, न चेयरमैन को काम करने देती, ना मजदूरों को काम करने देती, मजदूरी करे तो पैसे नहीं देती, धक्का मार के यहाँ इसमें घुस के आन के राज दफ्तर में तो धक्के दे दे, ये वीडियो देखो उसकी जाके अब धक्के मार के बाहर निकाल रखे, कमीन का अंदू बतावे वह कते कलेक्टर नहीं उसकी वीडियो बनावे, उसके उसके वो करे जो उसके दफ्तर में घुस जा बाहर धक्के दे के काट दिए, हमने कुशामंद कर ली, दरामंद कर ली, पर अपनी राजनीति में पूरा वहां मर्डर करवा देगी, एक दो और के कर सके वह, बस दादा दादा पड़े मारे दमक पड़े में, मैं दादा मेरे रिश्तेदार इतने बड़े बड़े अधिकारी है, अगर मैं तबादला नहीं चाहती इनते जब कस्बे में उसे विरोध कर रहे तो तबादला क्यों नहीं चाह रही, उसके भी देख लेंगे जो सपोर्ट मिल रही ना उन्हें भी देख लेंगे, सपोर्ट वालों को भी इतना हम उठा नहीं, चेयरमैन को तो कुछ समझ ही नहीं रही वा, चेयरमैन को तो अनुमान है अगर मेरे नीचे आया वह सोचे मैं चेयरमैन हूँ कस्बे की, अरे चेयरमैन नहीं चेयरमैन करेगा, तू क्या कर रहे हैं ये राजनीति क्यों फैला रही? खेकड़ा में काफी समय से काम कर रहा हूँ, लगभग 10 साल हो चुके हैं खेकड़ा में काम करते हुए, और कभी आज तक ऐसी समस्या नहीं आई है जिसमें कि जो है मतलब ठेकेदारों की किसी को भुगतान ना की जाए, कभी किसी अधिकारी की कभी किसी की चेयरमैन की तरफ से कोई समस्या नहीं आई है। अब की बार पहली बार ऐसा दोहराया जा रहा है कि जब से मैडम लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और किसी ठेकेदार की भुगतान टाइम पर नहीं हो रही है। मेरी एक भुगतान है जो है जो लगभग जो है 1.3 करोड़ रुपये के आसपास है, जो है तकरीबन 2 साल के आसपास उसको होने को जा रहे हैं, और मैडम ने आज तक कस्बे कोई सुध नहीं लिया है, कोई भुगतान नहीं मिला, कोई भुगतान नहीं मिला आज तक का उसका जो है, और फाइल भी जो है पत्रावली भी मैडम के द्वारा घर ले जाकर रख ली गई है, बार बार पूछने पर भी यही बोल दिया जाता है कि मैं ले आऊँगी तो भुगतान कर दूंगी, आज तक का कोई भुगतान उसका नहीं किया गया। कई बार मुझे डीएम साहब को भी लिखित में सूचनार्थ में देना पड़ा, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, डीएम साहब ने पत्र लिखा, डीएम साहब के पत्र पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, उल्टा पलट के कोई जवाब ऐसा इस तरह का नहीं दिया गया कि मतलब जो है डीएम साहब को कोई सूचना में कोई बात बताई जा सके या दी जा सके, उनको भी गुमराह कर दिया गया, और पत्रावली आज तक भी जो है मैडम के पास ही है, ईओ साहब के पास।